हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एनिमल किंगडम के सभी क्वेश्चंस को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। पहले हम बात करेंगे एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की, जिसमें टॉपिक नंबर वन है क्लासिफिकेशन। इसका क्वेश्चन नंबर वन है, नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट एज नर्व रिंग्स एंड नर्व कॉर्ड्स इन। ऑप्शन वन दे रखा है प्लेटी हेलमिंथीज, ऑप्शन टू दे रखा है आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन थ्री दे रखा है स्पंजेज, ऑप्शन फोर दे रखा है इलेक्ट्रिक ईल। चूज द एप्रोप्रिएट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, प्लेटी हेलमिंथीज। क्वेश्चन टू है, सूडोसिलोमेट्स एनिमल्स आर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, एस्केलमिंथीज। क्वेश्चन थ्री है, रेडियल सिमेट्री अकर्स इन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू, रेडियल सिमेट्री जो है वो निडेरिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, ट्रियूसिलम इज लाइन बाई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, मेसोडर्म। क्वेश्चन फाइव है, इन विच फाइलम द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, एनेलिडा। क्वेश्चन सिक्स है, ऑर्गेनाइजेशन इन स्पंजेज इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू, ऑर्गेनाइजेशन इन स्पंजेज इज सेलुलर ग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन है, मैच द कॉलम्स। ए दे रखा है सिलोमेट, तो सिलोमेट होते हैं यहां पर मोलस्क। बी दे रखा है एसिलोमेट, ए सिलोमेट होते हैं प्लेटी हेलमिंथीज, और सूडो सिलोमेट होते हैं एस्केलमिंथीज। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट टॉपिक है पॉरीफेरा। इसका क्वेश्चन नंबर वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्पंजेज। ऑप्शन वन दे रखा है, देयर बॉडी इज सपोर्टेड बाई ए स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिकल्स। ऑप्शन टू दे रखा है, दे हैव हाई रीजनरेटिव पावर। ऑप्शन थ्री दे रखा है, दे आर फाउंड ओनली इन मराइन वाटर। ऑप्शन फोर दे रखा है, दे आर ऑल रेडियली सिमेट्रिकल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, देयर बॉडी इज सपोर्टेड बाई ए स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिकल्स। क्वेश्चन टू दे रखा है, फ्रेश वाटर स्पंज इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री, स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पंज। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री है, यूस्पोंजिया इज कॉमनली नोन एज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू, बाथ स्पंज। क्वेश्चन फोर है, कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट इन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, साइकॉन। क्वेश्चन फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पंजेज। ऑप्शन वन है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन टू है, बॉडी सपोर्टेड बाय काइटिन। ऑप्शन थ्री है, प्रेजेंस ऑफ ओस्टिया। ऑप्शन फोर है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, बॉडी सपोर्टेड बाय काइटिन। नेक्स्ट टॉपिक है सिलेंट्रेटा। इसका क्वेश्चन नंबर वन है, अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच इज कंप्लीटली नॉन पैरासिटिक फॉर्म। ऑप्शन ए दे रखा है सी एनिमोन, ऑप्शन टू दे रखा है टैपवर्म, ऑप्शन थ्री दे रखा है लीच, ऑप्शन फोर दे रखा है मॉस्किटो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, सी एनिमल इज कंप्लीटली नॉन पैरासिटिक। क्वेश्चन टू, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इज नॉट शेयर्ड बाय बोथ सी एनिमल्स एंड जेलीफिश। ऑप्शन वन है, ए मेड्यूसा इज द डोमिनेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल। ऑप्शन टू, प्रेजेंस ऑफ अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ऑप्शन थ्री, एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन फोर, नेमेटोसिस्ट ऑन द टेंटिकल्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, ए मेड्यूसा इज द डोमिनेंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री, पॉलीफेज इज एब्सेंट इन।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन, ऑरेलिया में पॉलीफेज एब्सेंट होती है। क्वेश्चन फोर है, कोरल्स बिलोंग टू फाइलम। द करेक्ट आंसर इज फोर, निडेरिया। क्वेश्चन फाइव, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ सिलेंट्रेटा इज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। क्वेश्चन सिक्स है, द जेली फिश इज क्लासिफाइड अंडर द फाइलम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, निडेरिया। क्वेश्चन सेवन, बाइलेटरल सिमेट्री डज नॉट अकर इन। ऑप्शन वन ओबेलिया, ऑप्शन टू ऑक्टोपस, ऑप्शन थ्री टीनिया, ऑप्शन फोर प्लेनेरिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, ओबेलिया। ओबेलिया में बाइलेटरल सिमेट्री नहीं होती है। क्वेश्चन एट, पोर्टुगेज मैन ऑफ वॉर इज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, फाइशेलिया। क्वेश्चन नाइन है, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज प्रेजेंट इन। ऑप्शन वन हाइड्रा, ऑप्शन टू सी फैन, ऑप्शन थ्री सी पेन और ऑप्शन फोर ऑल ऑफ दिस। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हाइड्रा में भी प्रेजेंट होती है, सी फैन में भी होती है और सी पेन में भी होती है, यानी कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट टॉपिक है टीनोफोरा। इसका क्वेश्चन वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूसेस ओनली बाई सेक्सुअल मीन्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, टीनोफोरा। क्वेश्चन टू है, विच ऑफ दिस शो बायोल्यूमिनेसेंस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, प्लूरोब्रेकिया। क्वेश्चन थ्री है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन टीनोफोरा इज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, यानी कि टीनोफोरा में फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है और जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेटी हेलमिंथीज। इसका क्वेश्चन वन है, हाई रीजनरेशन पावर इज प्रेजेंट इन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन, प्लेनेरिया। क्वेश्चन टू है, एनएस इज एब्सेंट इन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर, फेशियोला। क्वेश्चन थ्री है, एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन। ऑप्शन वन है टीनिया एंड टीनोप्लाना, ऑप्शन टू है एस्केरिस एंड फेशियोला, ऑप्शन थ्री है टीनिया एंड हिरुडिनेरिया, ऑप्शन फोर है पाइलो एंड फेशियोला। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, एस्केरिस एंड फेशियोला। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर है, फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू, प्लेटी हेलमिंथीज। क्वेश्चन फाइव है, प्लेटी हेलमिंथीज आर कॉमनली कॉल्ड एज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, फ्लैट वर्म्स। क्वेश्चन सिक्स, सम मेंबर्स ऑफ प्लेटी हेलमिंथीज एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू। ऑप्शन वन फ्लेम सेल, ऑप्शन टू कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन, ऑप्शन थ्री बॉडी सरफेस, ऑप्शन फोर कॉम प्लेट्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, बॉडी सरफेस। नेक्स्ट टॉपिक है एस्केलेमेंटीज। इसका क्वेश्चन वन है, वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल्स एंड मस्कुलर फेरिंगसेस आर प्रेजेंट इन। ऑप्शन वन है प्लेटी हेलमिंथीज, ऑप्शन टू है एस्केलेमेंटीज, ऑप्शन थ्री है एनालिडा, ऑप्शन फोर है आर्थ्रोपोडा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, एस्केलेमेंटीज। क्वेश्चन टू है, एस्केरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रियोसिलोम नॉर मेटामेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है एनालिडा। इसका क्वेश्चन वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फाइलम एनालिडा। ऑप्शन वन नेरिस, ऑप्शन टू ऑक्टोपस, ऑप्शन थ्री क्रैब, ऑप्शन फोर आंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, नेरिस इज बिलोंग टू फाइलम एनालिडा।
क्वेश्चन टू है विच इज नॉट अ फीचर ऑफ एनालिड्स. ऑप्शन वन दे रखा है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ऑप्शन टू नेफ्रिडिया, ऑप्शन थ्री सुडोसिलम, ऑप्शन फोर डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री सुडोसिलम इज नॉट अ फीचर ऑफ एनालिड्स. क्वेश्चन थ्री है एनालिड्स हैज विच टाइप ऑफ मसल्स फॉर लोकोमोशन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर बोथ वन एंड टू, यानी कि एनालिड्स हैज अ टाइप ऑफ मसल्स फॉर लोकोमोशन इज लॉन्गिट्यूडिनल एज वेल एज सर्क्यूलर. नेक्स्ट क्वेश्चन फोर डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट इन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन पेरिटिमा. क्वेश्चन फाइव नेफ्रिडिया हेल्प्स इन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर बोथ वन एंड टू, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रेशन. क्वेश्चन सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोशियस. ऑप्शन वन नेरिस, ऑप्शन टू लीचेज, ऑप्शन थ्री अर्थवर्म, ऑप्शन फोर है बोथ टू एंड थ्री. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर बोथ टू एंड थ्री, यानी कि लीचेज एंड अर्थवर्म्स बोथ आर मोनोशियस. क्वेश्चन सेवन है ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स आर फाउंड इन. ऑप्शन वन एनालिडा, ऑप्शन टू एस्कल्मिंथीज, ऑप्शन थ्री मोलस्का, ऑप्शन फोर प्लेटीहेल्मिंथीज. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन एनालिडा. नेक्स्ट क्वेश्चन एट एन एग्जाम्पल ऑफ डायोशियस इज. ऑप्शन वन अर्थवर्म, ऑप्शन टू लीचेज, ऑप्शन थ्री नेरिस, ऑप्शन फोर ऑल ऑफ दिस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री नेरिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ डायोशियस. क्वेश्चन नाइन प्रेजेंस ऑफ मेटामियर्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर एनालिडा. नेक्स्ट टॉपिक है आर्थ्रोपोडा. इसका क्वेश्चन वन है विच ऑफ दिस फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम फाइलम. ऑप्शन वन है अर्थवर्म, सिल्कवर्म, टैपवर्म. ऑप्शन टू है प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकस्ट. ऑप्शन थ्री है स्पंज, सी एनीमोन, स्टारफिश. ऑप्शन फोर है पाइला, अमीबा एंड मॉस्किटो. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू, यानी कि प्रॉन, स्कॉर्पियन एंड लोकस्ट. ये तीनों फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं. क्वेश्चन टू है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स आर. ऑप्शन वन गिल्स, ऑप्शन टू बुक गिल्स, ऑप्शन थ्री बुक लंग्स एंड ट्रेकिया, ऑप्शन फोर ऑल ऑफ दिस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर ऑल ऑफ दिस, यानी कि गिल्स, बुक गिल्स एंड बुक लंग्स एंड ट्रेकिया ऑल आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन आर्थ्रोपोड्स. क्वेश्चन थ्री है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज फॉर्म्ड बाय. ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है, 23 में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन काइटिन. क्वेश्चन फोर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट. इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट कौन सा इंसेक्ट होगा. करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन लोकस्टा. क्वेश्चन फाइव है इनवर्टिब्रेट्स विथ जॉइंटेड लेग्स आर इंक्लूडेड इन फाइलम. करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर आर्थ्रोपोडा. क्वेश्चन सिक्स है एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स आर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन मेलपिगियन ट्यूबुल्स. क्वेश्चन सेवन है इन आर्थ्रोपोड्स द बैलेंसिंग ऑर्गन इज. करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री स्टेटोसिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन एट है व्हाट इज कॉमन अमंग सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, क्रैब एंड हनी बी. ऑप्शन वन है जॉइंटेड अपेंडेजेस, ऑप्शन टू है मेटामॉर्फोसिस, ऑप्शन थ्री है कंपाउंड आइज, ऑप्शन फोर है पॉइजन ग्लैंड. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन जॉइंटेड अपेंडेजेस. नेक्स्ट टॉपिक है मोलस्का. इसका क्वेश्चन वन है ए सॉफ्ट स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द विसेरल हम्प इन.
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 मॉलस्क। क्वेश्चन 2 है, फाइलम मॉलस्क कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर इनवर्टिब्रेट्स बाय द प्रेजेंस ऑफ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 ए मेंटल एंड अनसेगमेंटेड बॉडी। क्वेश्चन 3 है, ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग इज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 रेडुला। क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग सेट ऑफ अ फाइलम एंड इट्स 3 एग्जांपल्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 मोलस्का, और इसके एग्जांपल है लॉलीगो, सीपिया एंड ऑक्टोपस। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोलस्का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 लेबियो इज नॉट अ मोलस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 पिंक टाडा का कटलफिश नहीं होता है, बाकी एप्लाइसिया का सी हेयर होता है करेक्ट है, लॉलीगो का स्क्विड होता है ये भी करेक्ट है, पहला का एप्पल सिनल होता है ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन 7 है, स्क्वेड कटल फिश एंड ऑक्टोपस बिलोंग टू द फाइलम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 मोलस्का। क्वेश्चन 8 है, सी हेयर इज द कॉमन नेम ऑफ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 एप्लाइसिया। नेक्स्ट टॉपिक है इकाइनोडर्मेटा। इसका क्वेश्चन 1 है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 एस्टेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, द डेवलपमेंट इन इकाइनोडर्मेटा इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 इनडायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट बिलोंग टू फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 सी फैन। क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रेडियो सिमेट्रिकल एडल्ट एंड बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल लार्वा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 इकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन 5 है, एक्सोस्केलेटन ऑफ इकाइनोडर्म इज। ऑप्शन 1 काइटिनियस, ऑप्शन 2 सिलिकेशियस, ऑप्शन 3 है ट्यूनिसिन, ऑप्शन 4 है कैलकेरियस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 कैलकेरियस। नेक्स्ट टॉपिक है हेमिकॉर्डेटा। इसका क्वेश्चन 1 है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ हेमिकॉर्डेटा इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी कि प्रोबोसिस ग्लैंड। क्वेश्चन 2 है, प्रोबोसिस ग्लैंड इज एन एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन। जस्ट इसका उल्टा बना दिया, हेमिकॉर्डेटा आंसर। क्वेश्चन 3 है, हेमिकॉर्डेट्स हैव नाउ बीन प्लेस्ड विथ द नॉन कॉर्डेट्स क्लोज टू इकाइनोडर्म्स बिकॉज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्डेटा। इसका क्वेश्चन 1 है, इन क्लास एम्फीबिया रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू। ऑप्शन 1 गिल्स, ऑप्शन 2 लंग्स, ऑप्शन 3 स्किन, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पजेजेज पॉइजन स्टिंग बिलोंग्स टू क्लास कॉन्ड्रिक्थिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 ट्राइगोन। क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स इज लिविंग फॉसिल। इसमें से लिविंग फॉसिल है लिमुलस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन 1 नोटोकॉर्ड, ऑप्शन 2 डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, ऑप्शन 3 पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 5 है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल एडल्ट वर्टिब्रेट्स।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ क्लास मैमिलिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन है, आइडेंटिफाई द एक्वेटिक मैमल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ए देर का बेलेनोप्टेरा, बी इक्वस, सी डेल्फिनस, डी टेरोपस, ई फेलिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन, ए एंड सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैच द कॉलम टाइप एमसीक्यूज की। क्वेश्चन नंबर वन है, मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ये दे रखा है जॉलेस वर्टिब्रेट, तो जॉलेस वर्टिब्रेट है इसमें से साइक्लोस्टम्स। बी दे रखा है प्लेकोइड स्केल्स, प्लेकोइड स्केल्स होते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रिक्टिस में। सी दे रखा है टीनोइड स्केल्स जो कि यहाँ पर होते हैं ऑस्ट्रिक्टिस में। डी दे रखा है क्लोएका, ये एम्फीबियंस में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर वन। क्वेश्चन टू है, मैच द कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए दे रखा है साइक्लोस्टोमेट्स, इसका होगा थर्ड एग्नेता। एब इसका होगा टेट्रापोडा। सी दे रखा है ट्यूनिकेट्स, इसका होगा सेकंड यूरोकॉर्डेटा। डी दे रखा है बेलेनोग्लेसस, इसका होगा फर्स्ट हेमिकॉर्डेटा। ई दे रखा है ऑस्टिक्टिस, तो इसका होगा फोर्थ यानी कि पीसीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री है, मैच द कॉलम्स एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ए दे रखा है यूस्पोंजिया, इसका होगा फर्स्ट यानी कि स्पिकल्स। बी दे रखा है फाइसिलिया, इसका होगा थर्ड यानी कि मेटाजेनेसिस। सी दे रखा है टीनोप्लाना, इसका होगा फोर्थ यानी कि बायोल्यूमिनेसेंस। डी दे रखा है फेशियोला, इसका होगा सेकंड यानी कि हुक्स एंड सकर्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर है, मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ए दे रखा है सी वालनट, इसका होगा थर्ड यानी कि टीनोफोरा। बी दे रखा है साइफा, इसका होगा फोर्थ यानी कि पॉरीफेरा। सी दे रखा है फाइलेरिया वॉर्म, इसका होगा सेकंड यानी कि एस्केल्मिंथीज। डी दे रखा है लेक्सीफर, इसका होगा फर्स्ट आर्थ्रोपोडा। ई दे रखा है काइटन, इसका होगा मॉलस्क। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव है, मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ये दे रखा है पिंक टाडा, पिंक टाडा को बोलते हैं पर्ल ऑयस्टर। बी दे रखा है एपिस, एपिस बोलते हैं हनी बीज को। सी दे रखा है सीपिया, सीपिया बोलते हैं कटल फिश को। डी दे रखा है लिमुलस, लिमुलस बोलते हैं किंग क्रैब को। ऑफियूरा बोलते हैं यहाँ पर ब्रिटल स्टार को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स है, मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ए दे रखा है सी लिली, सी लिली इसका होगा थर्ड वाटर वेस्कुलर सिस्टम। बी दे रखा है सी हेयर, इसका होगा फोर्थ यानी कि रेड्यूला। सी दे रखा है कॉकरोच, कॉकरोच में होते हैं यहाँ पर मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। डी दे रखा नेरिस, नेरिस का होगा फर्स्ट यानी कि पैरापोडिया। ई दे रखा है हुकवर्म, इसका होगा एनसाइक्लोस्टोमियसिस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन है, मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ए दे रखा है यूरोकॉर्डेटा, इसका होगा सेकंड यानी कि सेल्पा। बी दे रखा है सिफिलोकॉर्डेटा, इसका होगा थर्ड लेंसलेट। सी दे रखा साइक्लोस्टोमेटा, इसका होगा फर्स्ट मिक्सिन। डी दे रखा कॉन्ट्रिक्टिस, इसका होगा कार्केरोडॉन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन एट है, मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ये दे रखा है एक्सोसिटस, एक्सोसिटस बोलते हैं यहाँ पर फ्लाइंग फिश को।
बी दे रखा है लेबियो, लेबियो बोलते हैं रोहू को। सी दे रखा है यहाँ पर क्लेरियस, तो क्लेरियस बोलते हैं यहाँ पर मैगर को। डी दे रखा है बेटा, इसको बोलते हैं फाइटिंग फिश। ई दे रखा है टेरोफाइलम, टेरोफाइलम बोलते हैं यहाँ पर एंजल फिश को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री। क्वेश्चन नाइन है, मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ए दे रखा है सिटेकुला, सिटेकुला बोलते हैं पैरट को। बी दे रखा है स्टूचियो, यहाँ पर इसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच। सी दे रखा है एप्टेनोडाइट्स, एप्टेनोडाइट्स यहाँ पर पेंगुइन को बोलते हैं। और डी दे रखा है नियोफ्रोन, नियोफ्रोन बोलते हैं यहाँ पर वल्चर को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, तो ऑप्शन थ्री करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे करेक्ट इनकरेक्ट टाइप के एमसीक्यूज की। इसका क्वेश्चन वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट। ऑप्शन वन है मॉलस्क आर एसिलोमेट्स, सेकेंड है इंसेक्ट्स आर सूडोसिलोमेट्स, थर्ड है फ्लैटफॉर्म्स आर सिलोमेट्स, फोर्थ है राउंड वर्म्स आर सूडोसिलोमेट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर, राउंड वर्म्स आर सूडोसिलोमेट्स। क्वेश्चन टू है, इसमें स्टेटमेंट दे रखे तीन। ए दे रखा है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, बी दे रखा है नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंस थ्रू आउट लाइफ इन एम्फियोक्सस, सी दे रखा है इन सम एनिमल्स नोटोकॉर्ड इज फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ए दे रखा है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, तो ये करेक्ट है। बी में दे रखा है नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फियोक्सस, ये भी करेक्ट है। और सी सम एनिमल्स नोटोकॉर्ड इज फॉर्म्ड ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ए दे रखा है इन अर्थवर्म द बॉडी शोज मेटामेरिक सेगमेंटेशन, बी दे रखा है एस्कल्मिथीज आर सूडोसिलोमेट्स, सी दे रखा है स्पंजेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, डी दे रखा है मेसोग्लिया इज एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। सभी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर वन, फ्लैटवर्म्स आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स, बाकी तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन वन है टीनोफोर्स एंड इकोनोडर्म्स सो बाइलेटरल सिमेट्री, ऑप्शन टू है एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स सो रेडियल सिमेट्री, ऑप्शन थर्ड है बोथ वन एंड टू, ऑप्शन फोर है स्पंजेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। इनकरेक्ट पूछा है, तो इसमें वन भी इनकरेक्ट है और सेकेंड भी इनकरेक्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री, बोथ वन एंड टू। क्वेश्चन सिक्स, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन वन है नोटोकॉर्ड इज अ एंडोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, सेकेंड है प्लेटीहेलमिंथीज आर सूडोसिलोमेट्स, थर्ड दे रखा है इन निडेरियंस पॉलिप्स प्रोड्यूस मेड्यूसा सेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म द पॉलिप्स ए सेक्सुअली, फोर्थ दे रखा है नीडोब्लास्ट आर यूज फॉर एनकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन फोर, नीडोब्लास्ट आर यूज फॉर एनकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन है, करेक्ट स्टेटमेंट इज स्लैश आर। फर्स्ट दे रखा है टीनिया एंड फेशियोला आर एग्जाम्पल ऑफ प्लेटीहेलमिंथीज, सेकेंड दे रखा है टीनोफोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉम जेलीज, थर्ड दे रखा है हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक प्लेटीहेलमिंथीज, फोर्थ दे रखा है ऑल ऑफ दिस। इसमें पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। क्वेश्चन एट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज स्लैश आर। इनकरेक्ट पूछा है, बायोल्यूमिनेसेंस इज द वेल मार्क्ड फीचर इन टीनोफोर्स, ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड देर का मेंबर्स ऑफ एस्कल्मिथीज आर मोनोशियस, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। मोलस्क्स सो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, 2 and 3 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ए दे रखा है आर्थ्रोपोडा इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनालिडा, बी दे रखा है ऑस्ट्रिच इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, सी दे रखा है मेंबर्स ऑफ क्लास कॉन्ड्रिक्टिस लैक ट्रू जॉज, डी दे रखा है एयर ब्लैडर इज एब्सेंट इन ऑस्ट्रिक्टिस। इसमें ए जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज आर्थ्रोपोडा फर्स्ट है, सेकंड लार्जेस्ट नहीं है। और बी जो है वो इसमें करेक्ट है, सी ए वो इनकरेक्ट है, डी भी इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए सी डी ऑप्शन 3। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन ए है यूरोकोडेट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेट्स, बी दे रखा है ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, सी दे रखा है बूफो हाइला राना आर प्रेस्ड अंडर क्लास एम्फीबिया, डी दे रखा है एविज आर होमियोथर्मस वार्म ब्लडेड इन नेचर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 क्योंकि इसमें सभी करेक्ट हैं। यूरोकोडेट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेट्स, ये भी करेक्ट हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, ये भी करेक्ट हैं। बूफो हाइला राना आर प्रेस्ड अंडर क्लास एम्फीबिया करेक्ट हैं। एविज आर होमियोथर्मस यानी कि वार्म ब्लडेड इन नेचर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज की। स्टेटमेंट फर्स्ट है टीनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मराइन रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। स्टेटमेंट सेकेंड है बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। इसमें दोनों जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है सिलेंट्रेट्स डज नॉट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सेकेंड दे रखा है इन सिलेंट्रेट्स ए सेक्सुअल जनरेशन इज फॉलोड बाई सेक्सुअल जनरेशन। स्टेटमेंट फर्स्ट है सिलेंट्रेट्स डज नॉट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है बिकॉज सिलेंट्रेट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। सेकेंड दे रखा है इन सिलेंट्रेट्स ए सेक्सुअल जनरेशन इज फॉलोड बाई सेक्सुअल जनरेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन 3 है स्टेटमेंट फर्स्ट है ऑस्ट्रिक्टिस हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, सेकेंड स्टेटमेंट है गिल्स आर कवर्ड बाई एन ऑपरकुलम ऑन ईच साइड। ऑस्ट्रिक्टिस हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, स्टेटमेंट करेक्ट है। गिल्स आर कवर्ड बाई एन ऑपरकुलम ऑन ईच साइड, ये भी करेक्ट है। इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंबर्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैटवर्म्स, ओके करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सेकेंड है इट हैज़ अ डोर्सो वेंट्रल फ्लैटन बॉडी, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसर्सन रीजन टाइप के एमसीक्यूज की। एसर्सन दे रखा है द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाई काइटिनस एक्सोस्केलेटन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन दे रखा है आर्थ्रोपोड्स हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, बोथ एसर्सन रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है एसर्सन दे रखा है प्लेनेरिया हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, रीजन दे रखा है प्लेनेरिया इज ऑल्सो कॉल्ड टैप वर्म। प्लेनेरिया हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रीजन दे रखा है प्लेनेरिया इज ऑल्सो कॉल्ड टैप वर्म, ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, एसर्सन ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स। एसर्सन दे रखा है ब्रैंकियोस्टोमा एंड बेलानोग्लोसस आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन दे रखा है दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन एंड पोजेस नोटोकॉर्ड, तो ये भाई करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। तो तीसरे का जो होगा वो होगा ऑप्शन 3, एसर्सन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एमसीक्यूज, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन 1 है इन सम एनिमल ग्रुप्स द बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स विथ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स,
दिस कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इज कॉल्ड ऑप्शन वन सेगमेंटेशन, ऑप्शन टू मेटामेरिज्म, ऑप्शन थ्री मेटाजेनेसिस, ऑप्शन फोर मेटामोरफोसिस। चूज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू मेटामेरिज्म। क्वेश्चन टू है, गिवन बिलो आर टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सम एनिमल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू इंटरस्टिशियल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स शेयर अ फोर चैम्बर्ड हार्ट। ऑप्शन वन है एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। ऑप्शन टू है क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। ऑप्शन थ्री है क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड्स एंड टर्टल्स। ऑप्शन फोर है लिजर्ड्स, मैमल्स एंड बर्ड्स। नंबर वन क्रोकोडाइल्स, नंबर टू बर्ड्स एंड नंबर थ्री मैमल्स। इन तीनों में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन टू यानी कि कैमिलियन एंड टर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव है, बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ कॉमन फीचर। विच इज द कॉमन फीचर? ऑप्शन वन पिगमेंटेड स्किन, ऑप्शन टू है न्यूमेटिक बॉन्ड्स, ऑप्शन थ्री है विविपैरिटी, ऑप्शन फोर है वार्म ब्लडेड नेचर। बर्ड्स एंड मैमल्स एक कॉमन फीचर है, वो है वार्म ब्लडेड नेचर। क्वेश्चन सिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू अ सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप। सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑप्शन थ्री करेक्ट है, मंकी, चिंपांजी और मैन, सभी मैमल। क्वेश्चन सेवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है। ऑप्शन वन है मिसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओबेलिया। ऑप्शन टू है एस्टेरियस एग्जिबिट्स रेडियल सिमेट्री। ऑप्शन थ्री है फेशियोला इज अ सूडोशिलोमेट एनिमल। ऑप्शन फोर है टीनिया इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? ओके, तो ऑप्शन वन तो करेक्ट है, ऑप्शन सेकेंड है एस्टेरियस एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री, ये भी करेक्ट है। फेशियोला इज अ सूडोशिलोमेट एनिमल, तो ये करेक्ट नहीं है। टीनिया इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन थ्री, बिकॉज ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन वन है इन कॉकरोचेज एंड प्रॉन्स एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल अकर्स थ्रू मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। ऑप्शन टू है इन टीनोफोर्स लोकोमोशन इज मीडिएटेड बाय कॉम्प्लेट्स। ऑप्शन थ्री है इन फेशियोला फ्लेम सेल्स टेक पार्ट इन एक्सक्रेशन। ऑप्शन फोर है अर्थवर्म्स आर हर्मेफ्रोडाइट्स एंड येट क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस अमंग देम। इनकरेक्ट पूछा है। फर्स्ट है कॉकरोच एंड प्रॉन्स एक्सक्रेशन वेस्ट मटेरियल अकर्स थ्रू मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन वन ही करेक्ट हो गया, एट्थ का वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओवीपेरस। ऑप्शन वन है प्लेटिपस, ऑप्शन टू है फ्लाइंग फॉक्स, ऑप्शन थ्री एलिफेंट, ऑप्शन फोर है वेल। ओवीपेरस प्लेटिपस जो है वो ओवीपेरस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन टेन है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एनिमल्स विद देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चूज द करेक्ट मैच शोइंग डिविजन ऑफ लेबर विथ एनिमल एग्जाम्पल। ये दे रखा है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल होता है यहाँ पर सेकंड फेशियोला में। बी दे रखा है सेलुलर एग्रीगेट लेवल, तो ये यहाँ पर स्पॉन्जिला में होता है। सी दे रखा है टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल यहाँ पर जो है वो ओबेलिया में होता है। और डी दे रखा है ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो कि फेरिटिमा में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए दे रखा है पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में यहाँ पर कैनाल सिस्टम होता है। बी दे रखा है एस्कलेंटिस, एस्कलेंटिस में यहाँ पर होता है मस्कुलर फेरिंग्स। सी दे रखा है एनेलिडा, एनेलिडा जो है उसमें मेटामियस प्रेजेंट होता है। डी दे रखा है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में यहाँ पर जॉइंटेड अपेंडेजेज होते हैं। और इकेंडोडर्मेटा जो है उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है।
तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।